तो एक तरफ तो वोटिंग जारी है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मुंबई में शिवसेना के जश्न की तैयारी है। बीएमसी चुनाव में मिल रही बढ़त से शिवसेना गदगद है। मुंबई में पार्टी दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं और आतिशबाजी करके एक तरह से जश्न की तैयारी भी की जा रही है। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी की तरफ शिवसेना। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। दोनों इस बार अलग चुनाव में सामने आए और इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल तो शिवसेना जो भारी पड़ती नजर आ रही है। तो सबसे ज्यादा नजरें बृहम मुंबई महानगर यानी कि बीएमसी पर है। यहाँ शिवसेना ने बीजेपी पर अच्छी खासी बढ़त बना ली है। ताजा रुझानों के मुताबिक शिवसेना 72 सीटों पर आगे है, तो वही बीजेपी 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 14 और एमएनएस 60 सीटों पर है। तो शिवसेना जो काफी आगे निकलती नजर आ रही है, सभी को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफी पीछे कर दिया है बीजेपी की। खासतौर पर बात करें तो महज 40 सीटें जिस पर बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी को, कांग्रेस को 14, एमएनएस को 7। बेहद दिलचस्प इस वक्त नजर आ रहा है। तो 150 सीटें मुंबई में जिन पर रुझान आ चुका है और इनमें हम देखें तो शिवसेना को बढ़त मिलती नजर आ रही है। शिवसेना 72 और बीजेपी 40 सीटें जिनका अभी तक रुझान आया है 150 सीटों में, उनमें कुल मिलाकर जो अभी की स्थितियां हैं उसमें शिवसेना को ही बढ़त मिलती नजर आ रही है और इसलिए शिवसेना के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। नित्यानंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। नित्या, बहुत अलग तस्वीर आज मुंबई में देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब अलग अलग चुनाव लड़ा गया और कहे शिवसेना भारी पड़ती नजर आ रही है, जो अब तक रुझान आ रहे हैं 150 सीटों पर बीजेपी पर। जी बिल्कुल, शिवसेना बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इस वक्त हम साउथ मुंबई में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो है हर पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है वो शिव सैनिकों में ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो भगवा कलर की टोपी और पार्टी का जो झंडा है वो लिए हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है वो उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही थी, तो ऐसे में शिवसेना जो है वो लगातार लीड पर, शुरुआत जब से ही काउंटिंग शुरू हुई है शिवसेना लगातार लीड बनाए हुई है और उसकी लीड बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में शिवसैनिकों में जो है खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और अगर हम कहें तो शिवसैनिक जो है वो जश्न मनाने की तैयारी में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पुणे नासिक नागपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं नित्या? जी, जिस तरीके से देखा गया अभी तो रुझान पूरी तरीके से क्लियर नहीं आया, मिला जुला जो है वो चीज़ें सामने आ रही है रुझान की, क्योंकि जैसे ही अगर हम बात करें तो जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। अभी तक किसी कोई पार्टी जैसे कि मुंबई में अगर देखा जाए तो शिवसेना लगातार लीड जो बनाते हुए नज़र आ रही है, तो वैसा अन्य जगहों पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी से आधे घंटे में ये जो पिक्चर है इन जगहों की भी लगभग जो है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक जो धुंधली तस्वीर है वो थोड़ी साफ नज़र आएगी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि कुछ सीटें परंपरागत सीटें रही हैं शिवसेना की, वहाँ क्या वो सीटें मेंटेन रख पा रही है या कुछ अलग, क्योंकि उन जगहों पर फाइट एमएनएस के साथ भी थी, लेकिन क्या कहें कि दरअसल दबदबा शिवसेना का बरकरार है, क्या वहां की खबरें क्या है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि इतने सीट पर शिवसेना जो है वो 72 सीट पर आगे चल रही है, बीजेपी जो है 40 सीट पर आगे चल रही है। बहुत सारे, क्योंकि एक वार्ड होता है, वार्ड में बूथ होता है, किसी वार्ड में 30, किसी में 32, किसी में 34, किसी में 40, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये बात सही है कि शिवसेना लीड बनाए हुए रखी, लेकिन जैसे ही एक घंटे के बाद जो है स्थिति वो थोड़ी क्लियर नज़र आएगी और हम आपको बता दें तो 3 बजे के बाद पूरी तरीके से जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ खास मेहमान ज्ञानेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ज्ञानेंद्र जी, एक तरह से क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ
जो मुंबई में नतीजे हैं वो आज आ रहे हैं बीएमसी के। खास तौर पे अगर हम देखें तो एक शायद बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबरें नहीं है, शिवसेना के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबरें हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें अगले चरणों में कितना असर देखने को मिल सकता है, जो रुझान अभी तक है अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की आपने बात करी है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में सीटों को बंटवारों को लेकर झगड़ा हो गया था और चुनाव के ठीक पहले दोनों के बीच कोई आपसी सहमति नहीं बनी और इसीलिए पिछले चुनाव के ठीक विपरीत दोनों दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़े और शिवसेना इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो जाहिर है कि मुंबई के नगर निगम में शिवसेना को लगता जीत मिल जाएगी। जहां तक नागपुर का सवाल है, जो मुख्यमंत्री फडणवीस का क्षेत्र है, वहां जरूर बीजेपी आगे है और शिवसेना को कोई सीट नहीं मिली, कांग्रेस उसके मुकाबले में है। लेकिन महाराष्ट्र का जो रुझान आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। और जैसा कि आपको याद होगा, एक चुनाव सभा में जब यहाँ मध्य प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव नतीजे आ रहे थे जिनमें 3 बीजेपी ने जीती थी, तो नरेंद्र मोदी ने इसका चुनाव सभा में बार बार उल्लेख किया था कि बीजेपी हमने विधान परिषद में हम 3 सीटें जीत चुके हैं और वे ये दिखाना चाहते थे कि बीजेपी सबसे आगे है। यही बात अब दूसरे दल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज वो उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पे आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है वहां की 53 सीटों में काफी घमासान है, लेकिन जैसा मैं अभी कह रहा था कि सारे दलों का कदकाठी एक जैसे है, चेहरे एक जैसे है, इसलिए जात बिरादरी और क्षेत्रीयता हावी है और इसीलिए देखिए बुंदेलखंड में खासतौर से 19 सीटें बुंदेलखंड की जहां इस चुनाव के चौथे चरण में वोट डल रहे हैं। 3 जिले ऐसे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं जबकि 2 जिले मध्य उत्तर प्रदेश में आते हैं, बाकी 7 जिले बुंदेलखंड के। इन बुंदेलखंड की 19 सीटों पर पिछले बार बहुजन समाज पार्टी ने सपा को पीछे छोड़ दिया था और सपा की इतनी सिर्फ 5 सीटें मिली थी और सपा इससे इतनी नाराज हो गई थी कि बुंदेलखंड का एक भी प्रतिनिधि सपा के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था और सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड के प्रतिनिधित्व से पूरी तरह वंचित हो गई थी। और अभी भी ये देखने की बात होगी कि सपा और बसपा में, क्योंकि पहले सिर्फ एक ऐसा चरण है ये जिसमें सपा काफ़ी पीछे थी, सिर्फ 45% सीटें उसे मिली थी इस चरण के मुकाबले में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुंदेलखंड में काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहा था, उसे सिर्फ 5 सीटें उसे मिल पाई थी जबकि कांग्रेस उससे 1 ज़्यादा यानी 6 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन एक बात की होड़ मैं कहूँगा श्वेता जरूर है, वो होड़ ये है कि दागी लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतारा जाए, चाहे वो बुंदेलखंड हो चाहे इलाहाबाद। यारेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी और फिलहाल अभी जो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की तस्वीर निकल के आ रही है वो क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये नागपुर से आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। तो नागपुर, पुणे, नासिक, अकोला में फिलहाल बीजेपी जो यहाँ एक तरह से बढ़त बनाती नजर आ रही है, जो रुझान आ रहे हैं उनको देखते हुए, तो कैसे ये काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये वही तस्वीरें हैं जो एक एक करके अब काउंटिंग के साथ ही ये पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे किसने अपनी बढ़त बनाई हुई है और कौन किस पर कितना हावी होता हुआ और आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 नगर महापालिकाओं में काउंटिंग चल रही है, 10 में से 8 नगर महापालिकाओं में बीजेपी पहले नंबर पर है, बीएमसी में शिवसेना पहले नंबर पर है तो बीजेपी दूसरे नंबर पर है। ठाणे की बात करें तो यहां शिवसेना को शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है और फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं इनमें 150 सीटों के जो रुझान है इनमें 72 सीटें शिवसेना को मिलती नजर आ रही हैं और इसीलिए कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब भी उम्मीद बची हुई है। नहीं, अभी तो राउंड है सिर्फ और ये रुझान है और ये अंतिम निर्णय तो अभी आना बाकी है।
इससे रुझान पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो दिख रहा है और जो एक्चुअल जो काउंटिंग स्टेशन में जो काउंटिंग हो रहा होगा उसमें काफ़ी अंतर होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हमको बहुमत मिलेगा, हम बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएंगे। बोलिए, ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी काफ़ी राउंड्स बाकी है, और जैसे आप जानते हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर 200-300 के मार्जिन्स होते हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो हिस्टोरिकली मुंबई के अंदर बीजेपी ने जितनी सीटें कभी भी जीती है उससे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीटें हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो इससे हम और बढ़ेंगे, और बीजेपी ने जो वादा किया था गुड गवर्नेंस का उसके ऊपर हम सक्षम होंगे। और नित्यानंद हमारे साथ है। नित्य, आप किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी अभी? जी, लगातार देखा जा रहा है कि शिवसेना अपनी बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शिवसैनिकों में काफ़ी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, शिवसैनिक काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें शिवसेना बढ़त बनाई हुई है। और जिस तरीके से देखा गया है कि इलेक्शन के पहले बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की बात कही जा रही थी, उसके बाद गठबंधन नहीं हुआ, दोनों अकेले के दम पर लड़ी, ये वर्चस्व की लड़ाई है। क्योंकि आपको बता दें, बीएमसी जो है वो तकरीबन 34,000 करोड़ बीएमसी का सालाना बजट है, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, तो ऐसे में ये वर्चस्व की लड़ाई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, पारदर्शी बीजेपी में पारदर्शी जो है सरकार, पारदर्शी तरीके से काम हो ये कह रहे थे। वही शिवसेना के जो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे थे कि उनकी पार्टी जो है वो बढ़त बना के रखेगी, प्रचार कर रहे थे। अब बीजेपी और शिवसेना में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, ऐसे में अब शिवसेना जो लगातार लीड बना रही है, और अब ये देखना होगा अगले एक घंटे के बाद जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिलहाल अभी तक नित्य जितनी सीटें आ रही हैं 33, और अगर सीटें मिल जाएं तो फिर शायद बहुमत मिल जाएगा शिवसेना को, लेकिन ये रुझान है। अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर सरकार पर कैसा संकट आएगा, ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपसे आगे मैं जानकारी लेती रहूंगी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे मैं चर्चा कर रही हूँ, तमाम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिवसैनिक देखिए किस तरह से उत्साह में है, वाकई इनका उत्साह बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार लड़ाई अलग अलग लड़ी गई थी। और शिवसेना के ही सत्ता आ जाएगी यहाँ पे, और पूरा बहुत स्पष्ट बहुमत से आ जाएगी। अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन किसके आ गए, अच्छे दिन किसके आए, भाजपा नेता लोग के अच्छे दिन आ गए। शिवसेना 100% जीत जाएगी, शिवसेना के पीछे हम लोग है, हमारे उद्धव साहब का सपना है। तो ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं एक बात समझना चाहती हूं, जब ये तय हुआ था कि बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, तो किसका फायदा एमएनएस को मिल जाए, लेकिन ये कहें कि जो वोटर्स है वो दरअसल टर्नआउट नहीं हुए हैं, जो जिसके साथ है वो उसके साथ है। बिल्कुल, वोटों का विभाजन नहीं हुआ है, वोटों का जितना भी बंटवारा मुंबई में दिखाई दे रहा है वो सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के बीच में है, और दूसरे दलों खासतौर से कांग्रेस, एमएनसी और एनसीपी, इनको, इन तीनों दलों को कोई फायदा इस झगड़े से नहीं हुआ है। दरअसल चुनाव के पहले, ठीक चुनाव के पहले, क्योंकि मुंबई नगर निगम जो है सबसे प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, क्योंकि मुंबई नगर निगम का, जैसा आपका आपके संवाददाता नित्यानंद अभी बता रहे थे, मुंबई का इतना बजट है मुंबई नगर निगम का जो देश के कई राज्यों से भी ज़्यादा है, कई राज्यों के बजट से ज़्यादा बजट मुंबई का है, तो मुंबई सबसे प्रतिष्ठापूर्ण है। और शिवसेना जो झगड़ा हुआ था, जिस बात पर मतभेद हुए थे, जिस बात पर दोनों के बीच में समझौता टूटा था, वो दरअसल ये था कि 2012 में जो सीटें जीत में मिली थी शिवसेना को और बीजेपी को अलग अलग, उसके आधार पर शिवसेना सिर्फ 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती थी, और वो चाहती थी कि बाकी 227 में बाकी सीटों पर शिवसेना चुनाव में लड़े, जो भाजपा को मंजूर नहीं था, और भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और आप अलग चुनाव लड़िए, और दोनों के बीच में ये टकराव हुआ। लेकिन इस टकराव का बहुत बड़ा फायदा दूसरे विरोधी दलों को नहीं मिला, और उनको आपस में दोनों के बीच में वोटों का बंटवारा हो गया। जहां तक दूसरे नगर निगमों का सवाल है, वहां जो रुझान है उसमें बीजेपी जरूर आगे नजर आ रही है। ज्ञानेंद्र जी, ये जो एक पूरा का पूरा मसला रहा, 2014 के बाद से और आगे बढ़ गया, जब मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली, एक उम्मीद शिवसेना को रही थी कि हो सकता है कोई जगह मिल जाए, लेकिन जब वो भी नहीं मिली तो ये खाई और ज्यादा बढ़ती चली गई, और ये हुआ कि आप
ये कि वर्चस्व की लड़ाई कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और कौन किसको मात देता है। कुल मिलाकर के अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि शिवसेना जो आगे निकल गई है बीजेपी से और बीजेपी काफी पीछे है। अब देखना होगा कि अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो फिर क्या होता है, सरकार कैसे चलती है, क्या सरकार पर संकट आ जाता है, कुल मिलाकर के क्या स्थिति है। फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण है ये नतीजे जो आज आ रहे हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं ज्ञानेंद्र जी, तो किस तरह का असर आप आगे इन पर, इन चुनावों के नतीजों का खासतौर पे उत्तर प्रदेश पर देखते हैं? क्योंकि हम अगर यही चीजें समझने की कोशिश करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी जगह का चुनाव, जो एक तरह से उत्साह भी बढ़ाता है चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वहां के नेता हो, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है? ज्ञानेंद्र जी मैं इसका जवाब लूंगी आपसे, जरा वोटिंग परसेंटेज भी आ गया वो भी बता देती हूँ। ललितपुर में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है, महोबा में 11 बजे तक 29% मतदान दर्ज किया गया है, तो बांदा में 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है।